अर्चना जी, आपको पता है आज इस मौके को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे बीच एक ऐसी म्यूजिकल जोड़ी आ रही है, ऐसे दो धुरंधर लोग आ रहे हैं, तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं इनवाइट करने जा रहा हूं 25 सालों से बेहतरीन म्यूजिक देने वाले, दमदार धमाकेदार, इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक कंपोजर्स, प्लीज वेलकम मिस्टर सलीम एंड सुलेमान। ओहो, बस बड़ा बोले अब कुछ करिए। हाँ कोई तो चल जिद पड़िए, डूब करिए या मरिए। हाँ कोई तो चल जिद पड़िए, डूब करिए या मरिए। सुलेमान भाई, ये जो आप ये बरसात की वजह से हुए हरियाली के वैसे ही रंग ही आपका वैसा है, पर बड़े मैं आंखों को अच्छा लग रहा है। ये बुजुर्ग बोल रहे हैं कि हरियाली जो देखो तो आपको अच्छी होती है सेहत के लिए, तो बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देखो। वैनिटी वैन में मैं बैठा था जी, और 3 अलग कपड़े लाए थे मैंने। अच्छा, तो वो नजर जाती है ना, तो लोग देखते हैं कि सबसे भड़कता हुआ कौन सा है। तो उसने कहा कि सर ये ग्रीन पहन लो, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ। तो मैंने उसको ये बोलना भूल गया कि मेरे पास ब्लू कलर का सेंड्रम भी है साथ। हाँ। में तो अब मैं ऐसे लग रहा हूँ कि ठीक ही लग रहा हूँ वैसे। नहीं, अच्छा है, क्योंकि सलीम भाई क्या हमेशा स्टेज पे आगे गाते हैं ना, तो ये पीछे खड़े खड़े ध्यान खींच लेते हरे रंग का सूट पहन। अच्छी बात है। अच्छा, लॉकडाउन के दौरान ना एक्सपेरिमेंट्स बड़े हुए, जैसे आदमी लोगों ने कुकिंग सीख ली, झाड़ू पोछे तो चलो है ही मैंडेटरी है, आप दोनों भी पत्नी वाले इंसान है, आपके हिस्से में क्या आया, क्या किया फिर आपने लॉकडाउन में? यार पूछो मत, लॉकडाउन जो घर में बैठना पड़ा वही बड़ी बहुत बड़ी दिक्कत थी। सो दैट वाज अ बिग लॉकअप, इट वाज अ लॉकअप फॉर ऑल द हस्बैंड्स। या मतलब नहीं, पर जैसे लॉकडाउन में ना क्या हुआ, आदमी लोग 24/7 अपनी बीवियों की निगरानी में रहे। हाँ। जिसकी वजह से बड़ा सफोकेश अच्छा लगा, जिसकी वजह से काफी अच्छा लगा हमें। अच्छा, मैंने देखा सलीम भाई जो है ना, ये चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे कोई शो होस्ट करना हो, या कहीं किसी रियलिटी शो में जज बनना हो, पैसे कमाने का कोई मौका छोड़ते नहीं है। सुलेमान भाई नहीं जाते हैं ज्यादा, तो मेरा यही सवाल है, आप आलसी हो? आलसी आ गया कि आप शाही नेचर के हो, शर्माते हो कि नहीं यार मेरे को ज्यादा टीवी पे नहीं जाना है या ऐसे? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि यू नो यू कीप योर पर्सनैलिटी फॉर समथिंग बिगर एंड बेटर। ओह वाओ मैन, कम ऑन भैया। जैसे ना कभी कभी हम लोग बहुत सारे सिंगर्स के साथ जब बातचीत करते हैं ना, सबके बड़े मजेदार ऐसे कोई किस्से होते हैं कि यार हम कहीं फलाने शो पे चले गए, वहाँ पे हमारे साथ ये हो गया। कभी ऐसा होता है ना कि यार कोई सामने खड़ा है और वो बंदूक दिखा रहा है, रफी साहब को गाना सुनाओ। ओहो, कभी कोई ऐसी वियर्ड सिचुएशन आपके साथ ऐसी हुई है? कभी कभार हो जाता है, मतलब कुछ शोज में ऐसी ऐसी फरमाइशें आती है ना, मतलब एकदम ढेल जाते हैं हम लोग, गाना सुना नहीं होता है कभी कभार। हाँ। और यू नो कोई ऑडियंस में से कोई बहुत ही एक फैन होता है रफ़ी साहब का या किशोरदा का, बोल ये गाना सुनाओ, तो कभी सुना ही नहीं है, तो बहुत मुश्किल होती है मतलब बोलने के लिए कि यार ये गाना हमने नहीं सुना, क्योंकि सब गाने उनके तो इतने लाजवाब मशहूर है। तो बहुत बार ऐसा होता है, लेकिन कुछ हम लोग पतली गली पकड़ के निकल जाते हैं, मतलब कुछ अपना ही गाना कोई सुना देते हैं। बहुत बार ऐसे भी होता है कि स्टेज पे हम खड़े हैं और वो एक तो हमारे जो इनियर्स पहन के रखे होते हैं तो बाहर का कुछ आवाज़ आ ही नहीं रहा, और ये भी अच्छी बात है। हाँ। तो वो एक कम से कम वो बच जाते हैं, एक अच्छा बहाना बन मिल जाता है कि और सामने से भाई साहब खड़े हुए चिल्ला रहे हैं वो गाना तो मतलब हाँ हाँ यस 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 अगला जो है वो यही है, अगला वही है, दिस इज द बेस्ट बेस्ट थिंग, नेक्स्ट आ रहा है यही गाना है। जैसे हरिहरन साहब एक बार सुना रहे थे ना किस्सा। हाँ। बोलते कहीं पे गजल का प्रोग्राम चल रहा है, तो सामने एक आदमी बैठा है वो दारू पी के, वो जैसे कोई अलग रंग कुछ लगाए कोई सुर तो करता। जो उस्ताद जी गा रहे थे उनको बड़ा बार बार गुस्सा आया, जैसे बोलता मैं कुछ लगाता हूँ सुर करता है। कहता जो खत्म हुआ ना शो, तो उन्होंने उस आदमी को बुला के लाओ। हाँ। तू बार बार ये क्या कर रहा था? कहता नहीं उस्ताद जी मैं कर रहा था आपका जवाब नहीं कोई। मैं उनको अप्रिशिएट भी नहीं करना आता कहीं को। जैसे शानुदा ने एक बार किस्सा सुनाया था, कहते मेरे तो प्रोग्राम में गोलियां वोलियां चल गई कहीं, तो
बिहार साइड में कोई फंक्शन था उनका या जो भी, बोलते पहले तो दारू पी के वो स्टेज पे मेरे को फरमाइशें करते रहे, बोलते मैं पूरी भी करता रहा, फिर तो कहते पूरा दुत शराबी आ गया, ड्रम सेट वाले को बोलता तू उठ बजाऊंगा मैं, बोलता उसने बजाया भी बोलते और मैंने गाया भी करते। लेकिन ऐसा होता है कि छोटे शहरों में या कभी अब्रॉड जाते हैं तो आप मोहताज हो जाते हैं कि आपको शो करना ही करना है क्योंकि आप वहाँ उस जगह के नहीं होते और आपको पैसे नहीं मिलते। Has it happened to you? हमें एक बार अमेरिका में ऐसे हो गया था, सैन फ्रांसिस्को में। अच्छा। और सैन होजे, एक्चुअली सैन होजे आसपास में ही है। तो ऐसे हो गया कि वो बोल रहा था कि टिकटें बिक रही हैं और जैसे बिक जाएंगी वो शो शुरू होने के पहले मैं आपको पैसे दे दूंगा। फिर आके बोला कि वो अभी भी टिकटें बिक रही है मगर शो शुरू कर दीजिए आप। हमने बोला चलो ठीक है शुरू कर देते हैं, इंटरवल तक आप क्लियर कर देना सब। तो स्टेज पे गए, हमने आधा शो खत्म किया, पीछे आए वो थोड़े से पैसे दिए, फिर बोलता है शो के बाद खत्म होने के बाद देता हूँ। मैं बोला यार बॉस ये तो गड़बड़ है। फिर उसके बाद तो हम रुक गए। हाँ रुक गए, लेकिन फिर हमने बंद कर दिया शो वहाँ पर। और फिर प्रेशर आने लगा तो फिर थोड़े से और पैसे आ गए। फिर उसके बाद में एक हम लोग ने पंजाबी मेडले शुरू किया। अच्छा। तो वो शुरुआत ही होती है उसकी, मतलब तौबा तौबा इश्क में करिया। तो जैसे वो अभी वो मतलब वो भी एकदम शौकीन, म्यूजिक का शौकीन था, प्रमोटर था, तो वो मतलब मूड में था एकदम। अच्छा। ये इस वक्त पर जब वो पंजाबी मेडले शुरू हुआ, मैं सुलेमान को कहा छोड़ो यार, कुछ पैसे बाकी थे, मतलब पब्लिक बहुत इंजॉय कर रही थी शो। हाँ। बहुत ही इंजॉय कर रही थी और मेरा मन नहीं लगा कि यार कहाँ इन लोगों को, मतलब इतना इंजॉय कर रहे, पहली बार सैन होजे आए हुए, लेट्स जस्ट फिनिश द शो, अच्छे से हम लोग कर लेते, जो पैसे जो गए वो गए, चलो छोड़ो। लेकिन पंजाबी ये मेडले शुरू होते ही तौबा तौबा इश्क में करिया, सिक्योरिटी विक्योरिटी को सबको हटा के ये आदमी स्टेज पर आने ही वाला था और मैं इसको बाहर ले गया। तो जैसे मैं उसको वहाँ लेके गया अंदर विंग्स में, वैसे उसने कवर निकाल के दे दिया कि ये बाकी के पैसे मुझे स्टेज पे आने दो। प्लीज मुझे स्टेज पे आने दो। मैंने कवर तो रख लिया, फिर मैं भी मैं हूँ, मैं बोला बुलाता हूँ तुझे, तो रुक जा जरा मैं बुलाता हूँ। ये तौबा तौबा इश्क में करिया, कावा कावा, एवे एवे सब खत्म किया। बोले उसको नहीं आना दिया। नमस्कार, बाय बाय, खुदा हाफिज। वो बोला अरे मेरे, मैं कब आऊंगा, मैं कब आऊंगा, इस लाइक अभी नेक्स्ट टाइम आना, तो नेक्स्ट ईयर देखेंगे। बड़े ऐसे कई लोग होते हैं। एनीवेज सर, आपने उसमें भी गाना दिए थे ना, वो पिक्चर में कौन सा, वो वेडिंग पुलाव, उसमें म्यूजिक दिया था ना। मैं सच्ची बोलूं, अगर उसमें आप म्यूजिक की जगह रायता देते तो और मजा आता। पुलाव के साथ रायता बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मैं दो चार अभी आप लोग म्यूजिक देते हैं तो हम सब्जेक्ट लिखे ले कई सारे भोजपुरी के, तो उसमें अगर आप मेरे हमारे लिए म्यूजिक देंगे, अभी हम लोग के औकात नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट ने अभी टाइटल हम लोगों ने रजिस्टर कर दिया है, तो टाइटल बताती है, तो उसका टाइटल एक पिक्चर का, दालगिरी गाउन में सयाजी लॉकडाउन में। जो मेन पिक्चर जिसके लिए हम चाहते हैं आप म्यूजिक दे, उस पिक्चर का टाइटल है खिला के रगड़ा साली को पकड़ा। क्या क्या, ये बहुत ही पारिवारिक पिक्चर है। तो इसके लिए हम चाहते हैं और हम लोग सोच रहे हैं आपके ऊपर भी एक पिक्चर बनाने। अच्छा। हाँ, खायला पान सैया सलीम सुलेमान। सुलेमान भाई, आपको कभी हमने गाते नहीं देखा। मैं एक्चुअली पहले गाता था। अच्छा जी। अभी भी कभी कभी मूड होता है तो गा लेता हूँ। अच्छा। मगर आलसी समझ लो, क्योंकि गाने में रियाज की बहुत जरूरत होती है। जी ये तो है, ये आप भी तो गाते हो, आपको पता होगा। वही मेरे भाई भी आलसी था ना, इसलिए सिंगर नहीं बन पाया। मेहनत बहुत है, बहुत मेहनत, मतलब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रियाज तो मतलब ये तपस्या ही है, बिल्कुल ऐसे ही नहीं। हम लोग सुनते थे ना बचपन में, उस्ताद लोग बोलते हैं तपस्या होती है। हाँ। लेकिन अब जब समझने लगे हैं चीज़ों को तो तब जाके पता चलता वाकई यार ये तपस्या है, सालों साल करते जाओ और उसके बाद जाके आपके वो गले में निखार आता है। पर भाई आपने रियाज किया कि आपको गॉड गिफ्ट है आपकी आवाज़? नहीं भाई, एक्चुअली ऑनेस्टली सिंगर तो मेरा प्लान ही नहीं था बनने का, मतलब मैं कंपोजर ही था। हम लोग सुलेमान और मैं गाने बनाते थे, तो कुछ गाने बनाए ऐसे, तो सुखविंदर पाजी को बुला लिया या श्रेया घोषाल को बुला दिया, सोनू निगम को बुला लिया गाने के लिए, तो गाते 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 गाना चलता रहा। मतलब यानी क्या होता है कि जब गाना बनाते हैं तो कोई तो चाहिए जो गाना सुनाए, तो उसे रिकॉर्ड करके एक रफ ट्रैक। हाँ। तो रफ गाते गाते ऐसे हो गया कि एक गाना सलीम ने गाया जो इतना अच्छा लगा सबको
कि उन्होंने कहा कि यार ये गाना तेरी वॉइस में रखते क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है. तो सलीम ने बोला नहीं नहीं यार इसको बुलाते हैं. मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं एक बड़े उस्ताद से गवाऊं. एक सिंपल गाना था, बड़ी इबादत का गाना था, अली मौला. कौन सा? अच्छा, अली मौला कुर्बान का. हो जाए थोड़ा सा. हिम्मते अता करो ओ मददगार मौला अली मौला अली मौला अली मौला ओ मौला अली मौला अली मौला. आप ही हुकूमते परवरदिगार मौला अली मौला अली मौला ओ मौला अली मौला अली मौला. ओ शाही मर्दा शेर अजदा जाफिदा तुम पे मौला अली मौला ओ मौला अली मौला अली मौला अली मौला ओ मौला अली मौला अली मौला अली मौला ओ मौला अली मौला अली मौला अली. वाह वाह क्या बात. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.